प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आउं आहियां असद मुमताज़ नज़री पीटीआई चेयरमैन लाइ रस्ता तंग थियनि पिया बल्कि अॼु त पीटीआई चेयरमैन खे तमामु वॾो झटको हूंदो अॻूणे पीटीआई चेयरमैन जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान अहम इंकशाफ़ कया आहिनि साइफर वारे मामले ते उन उहो ॼण त हिकु सुल्तानी गवाह बणिजी चुको आहे अॼु उन मजिस्ट्रेट जे साम्हूं 164 जो बयानु रिकॉर्ड करण जी चयो आहे त साइफर वारो मामिलो पहिरियां ई ड्रामो हो पीटीआई चेयरमैन उनखे पंहिंजे ज़ाती मुफ़ाद ख़ातिर इस्तेमालु कयो साइफर वे 9 मार्च ते बकौल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान चयो त हुन साइफर इमरान ख़ान हवाले कयो ऐं बाद में इमरान ख़ान चयो त इहो गुम थी चुको आहे अव्हांखे यादि हूंदो त पीटीआई चेयरमैन जॾहिं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो त उन हिकु अवामी जलसे में साइफर खे फेराईंदे साइफर खे वाज़े कंदे ॿुधायो हो त अमरीका उन जे हुकूमत जे ख़िलाफ़ु साज़िश कई आहे ऐं उन खां पोइ हुन साइफर जो ज़िक्र कयो त जेको तमामु त डिटेल उन साइफर में मौजूदु आहे हुन खां पोइ पीटीआई चेयरमैन हिकिड़ो नैरेटिव ठाहियो त उनखे आलमी कोतुनि ख़ासि करे अमरीका उन जे ख़िलाफ़ु साज़िश कई ऐं पोइ वरी हुन जेके सिक्योरिटी जा इदारा आहिनि उन्हनि खे पिणु उन ते निशाने ते बणायो ऐं उन खां पोइ पीटीआई चेयरमैन जी हुकूमत ख़तमु थी बल्कि पीटीआई चेयरमैन जो इहो नैरेटिव बरक़रार रहियो अॼु अॻूणे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान उन हवाले सां इंकशाफ़ कया आहिनि ऐं उनखां अॻु में हिकिड़ी ऑडियो पिणु लीक थी हुई जंहिंमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान पीटीआई चेयरमैन असद उमर ऐं शाह मुहम्मद कुरैशी जी ॻाल्हि ॿोल उन में मौजूदु हुई अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीउ जेको आज़म ख़ान जो एतिराफ़ी बयानु आहे या इंकशाफ़ आहे उहो केतिरो अहम आहे ऐं सफ़ारती मामलनि ते जेको डैमेज थियो आहे उनखे कवर कीअं कजे ऐं केतिरो वॾो नुक़सानु थियो आहे ऐं उनखे डैमेज करण जा हिन वक़्त ताईं केतिरा ऑप्शन आहिनि हीअ को इंतिहाई हसास मामिलो आहे उहो पीटीआई चेयरमैन लाइ केतिरो ख़तरनाक साबित थी सघे थो इन मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासीं हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ आलमी मामलनि ते मुमताज़ नज़र रखंदड़ अॻूणो एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु ऐं असांखे जॉइन कंदो हिकिड़ो ॿियो अॻूणो एम्बेसडर ज़फ़रुल्ला शेख साहिबु साईं डॉक्टर साहिबु अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त डॉक्टर साहिबु हीउ जेको मामिलो आहे उन जी हसासियत अव्हां खां बहितरु भला ॿियो केरु ॼाणे सघे थो पियो त जॾहिं इहो मामिलो शुरू थियो त उन वक़्तु अव्हां जी रीडिंग छा हुई त हीउ मामिलो काॾां पियो वञे ऐं साइफर आम जलसे में हिकिड़े अवामी जलसे में इमरान ख़ान पीटीआई चेयरमैन जॾहिं इहो ॻाल्हि कई हुई त उन टाइम अव्हां जी रीडिंग छा हुई जी मां तव्हांजे चैनल्स ते मां सम्झां थो 3-4 दफ़ा हिन तबसरो कयो हुन ज़माने में मां त हीउ तमामु हसास मामिलो बि आहे ऐं हीअ दुनिया जा जेके मुख़्तलिफ़ कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जा तालुकात ख़राबु करे थो सघे असां बि जेॾी महिल सफ़ीर हूंदा हुआसीं जेको कुझु लिखंदा हुआसीं जे हू शयूं जेके उन वक़्त जा प्राइम मिनिस्टर या उन वक़्त जा जेके हुया असांजा फॉरन मिनिस्ट्री में माण्हू जे उहो लीक करे छॾंदा त मुल्कनि जा तालुकात ख़राबु थी वञंदा जिते जिते असां रहंदा हुआसीं या मां न काफ़ी सारी शयूं अहिड़ी लिखंदुसि जेॾीमहिल मां सफ़ीर हूंदुसि यूएई में या लीबिया में जे उहो लीक थी वञे हा त ॿिन्हिनि मुल्कनि जा न सिर्फ़ु तालुकात ख़राबु थियनि हा बल्कि उहे उतां मूंखे कढी छॾंदा जंहिंखे चवंदा आहिनि पर्सनैन नॉन ग्रेटा अंडर जेनीवा एकॉर्ड 1961 त ही त हिकिड़ी उनजो हू रही ऐं उनजे करे जेकी ही असां साइफर वारो या जंहिंखे टेलीग्राम जी असां चवंदा आहियूं इहो सिलसिलो इहे न थिए हा त असांजी जेकी आहे रुसवाई आहे दुनिया में उहा एतिरी न थी आहे असांजी दुनिया में असां काफ़ी तज़मीन थिया आहियूं त असांजे सफ़ीरनि सां माण्हू ॻाल्हाइण में काफ़ी इहे हेजिटेट कंदा हुआ त हिननि सां ॻाल्हाईंदासीं वरी हिन जो को प्राइम मिनिस्टर या ॿियो को अॻवाण हू कंहिंखे लीक न करे छॾे त मुल्क ते इन जो ट्रस्ट माना सफ़ीर माना मुल्क मुल्क जी नुमाइंदगी माना उन जे मुल्क जो ट्रस्ट जेको आहे उहो घटिजी वेंदो नंबर वन नंबर टू इहो आहे त अमेरिका बि इन मामले में ज़ाहिर आहे इफेक्ट थियो पर आहिस्ते आहिस्ते उनखे रिपेयर करण में असांखे थोरी घणी कामयाबी थी वई हाणे उन खां वधीक आहिस्ते आहिस्ते थिए थी पई हू उन्हनि खे हाणे ख़बर पइजी वई त ही साइफर जो पॉलिटिकल इस्तेमालु छा थियो साइफर या कंहिं बि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कंहिं सूरत में बि पॉलिटिकल इस्तेमालु नथो थी सघे साइफर यानी केबल जंहिंखे चवंदा आहियो या टेलीग्राम उनखे हू दैट कम्स अंडर जेको आहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 जो ऐं हीउ जेको आहे उन में पाबंदी आहे खणी प्राइम मिनिस्टर हुजे या उनजो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुजे जंहिंजे जे हथ में उहो कागज़ ईंदो छो जो हीउ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ईंदा ई जेके ॿिनि माण्हुनि जे हथ में ईंदा आहिनि त उन्हनि खे ते सेक्शन 5 जे तहत उन्हनि ते इहो जे लीक थी वञे हू
या वो अनऑथराइज़ली कहीं के दिखाई छन या गुम करे छन तो उन्हें ते ही वो अप्लाई थे तो इन्हें से तमाम खतरनाक पनिशमेंट्स भी हैं आई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जी के बहुत सीरियस पनिशमेंट था वो खाली आहे लाइफ एंड डेथ पेनल्टी भी आहे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी आहे त ही मामला आई इन्हें के चवंदा आहिनि त एस्पोनाज माना जासूसी वारो मामलो भी सेबोटाज मुल्क में माना अहिड़ी ॻाल्हि तव्हां कयो जो मुल्क खे तमामु एतिरो नुक़सान थी वञे जंहिंजो जेके सेबोटाज जी डेफिनेशन में ही सभु शयूं ॾिनल आहिनि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नाउ हाणे सिलसिलो इहो आहे त साइबर जेॾी महिल फॉरन मिनिस्ट्री में ईंदो आहे उनखे कोडिंग कोडेड वर्ड में दुनिया में उनखे इंटरसेप्ट को माण्हू उनखे हैक नथो करे सघे उहो जेॾी महिल कोडेड वर्ड में हिते लहंदो आहे उहो त उनखे वरी डिसाइफर कंदा आहिनि लैंग्वेज में कंदा आहिनि पहिरियां उहो अखरनि में हूंदो आहे त अखरनि में पहिरियां उन्हनि डिजिट्स में हूंदो आहे पोइ उन खां बाद उनखे डिसाइफर कंदा आहिनि पोइ उन खां अंग्रेजी निकिरंदी आहे जेका उहो फॉरन उनखे काउंट थींदी आहे त हिकिड़ो पेज निकितो ॿ पेज उन नंबरिंग थींदी आहे उनजी अकाउंटिंग थींदी आहे ऐं उनजो फौरी तौर ते रिकॉर्ड रखियो आहे रजिस्टर राइट उन में ऐं उन में माण्हू साइन कंदा आहिनि की असांजी कस्टडी में आहे ऐं हर महीने जे उनखे जेतिरो अर्सो रहंदो आहे कागज़ उनखे छो जो उन खां बाद कुझु अर्से खां बाद उन में हर कागज़ जी हर डॉक्यूमेंट जी मुदो ॾिनल आहे त कहिड़े केतिरे मुदे में इनखे तव्हां डिस्ट्रॉइड बाए बर्निंग माना साड़े था सघो उनजो बि सर्टिफिकेट ॾियणो पवंदो आहे उनजी बि कमेटी हूंदी आहे त इन में जेको मिसाल तौर ते हिते प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जी कस्टडी में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी कस्टडी में हूंदो आहे उनजी कस्टडी में मां उनखे जे प्राइम मिनिस्टर खे ॾिनो ऐं प्राइम मिनिस्टर उनखे पंहिंजे खीसे में रखी हले वियो त आज़म खान खे खपे हा त हिकु ॿ टे ॾींहं हफ़्तो खणे इंतज़ारु करे रिपोर्ट करे हा इनखे पंहिंजे जेको उनजो रिपोर्टिंग चैनल आहे हिन में एडजस्टमेंट खे करे हा एजेंसी खे हा त हीउ मामिलो थियो आहे भई नथो मिले कागज़ प्राइम मिनिस्टर खां गुम थी वियो आहे त इंक्वायरी कयो मुंहिंजी जांच फासंदी छो जो ही त उन करे आज़म खान खे उन वक़्तु आज़म खान जेका गैर ज़िमेदारी जो मुज़ाहिरो कयो आहे त आज़म खान ते खुदि इहा चार्ज थिए थी पई सर इन करे जे हू वादा माफ़ थी वञे शाहिद त पोइ उन ते माफ़ी मिली वेंदी जेको अॼु ख़बर अचे थी पई त ॾिनो आहे ऐं उनखे जेको चैप्टर 14 आहे पीपीसी जो उन जे तहत शायदि उनखे अप्रूवर बि ठाहे वठनि जे अप्रूवर ठही वियो त उन उनखे उन सज़ा उनजी न मिलंदी पर उनजो एविडेंस कमु ॾींदो जेको अकम्पलिस आहे उनजो या जेको मेन अक्यूज़ आहे इन मामले में शाम प्रेश बि वकड़ में अचे थो पियो इन में प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर आहे उन ते आई आहे उन जलसे में बि ॾेखारियो आहे उन ॾह दफ़ा ॻाल्हि बि कई आहे ऐं इन ते डिबेट थी आहे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट थी आहे उनजी 38 मीटिंग हुई शायदि 38th मीटिंग उन में डिबेट थी ऐं उन्हनि चयो त हिन में को अहिड़ो कंक्लूड उन्हनि कयो त हिन में काई अहिड़ी ॻाल्हि न आहे जंहिंमें कंस्पिरेसी नज़र अचे इहे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जेॾी महिल इहा 38th मीटिंग थी उन्हनि में इहा ॻाल्हि थी वई साम्हूं त असांखे उन ज़माने में बि इहो ई तबसरो कंदा आयासीं जंहिं हिसाब सां इनखे वरितो वियो आहे इन में पोलिटिकल गेम्स वधीक था नज़र अचनि पोलिटिकल फ़ाइदो वठण जो खेॾु वधीक नज़र पियो अचे ऐं उन में सब्सटेंस अहिड़ो नज़र उन वक़्त बि न पियो अचे पर असां जहिड़े माण्हुनि जो उन वक़्तु बि इन ते बयानु ऐं तबसरो इहो हो त हीअ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी उन में ईंदी आहे ऐं हीअ मुल्कनि जे तालुकात खे त ख़राबु कंदी ई कंदी पर इन में अॻिते वञी कॉम्प्लिकेट थी वेंदो इहो मामिलो मसलो थी पैदा कंदो इमरान खान लाइ ऐं उन जेका टीम हुई ऐं उहो ई अॼु थियो हाणे उन्हनि खे मजबूरनि 164 जो बयानु अची वियो हाणे फौरी तौर ते या केस रजिस्टर करे वरितो हूंदो या करणो पवंदो उन्हनि खे छो जे हिन ॻाल्हि में कुझु साम्हूं अची वई आहे ऐं उन्हनि खे हाणे चाहे बि स्टेट यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान जे चाहे बि डॉक्टर साहिबु अवां जेका ॻाल्हि पिया कयो त सफ़ारती महाज़ ते ॾाढो डैमेज थियो आहे हीउ मामिलो त भला हाणे कुझु आहे त हीअ को डैमेज थी चुको आहे हिन वक़्त ताईं उनखे कवर करण जा के चांस ऑप्शन्स आहिनि त हिनखे हाणे भला कवर कीअं कजे
पहले मामले में मामलो यो डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स ब्लंडर ब्लंडर भी न हो मिस्टेक भी न हो यो टेकिंग अ माइलेज आउट ऑफ अ सीक्रेट एंड अ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट यो तो उनका मुख्तलिफ हो बहरल जो पोलिटिकली उनको इस्तेमाल किया हो तो जाहिर है उनको डैमेज थो असाया बायलैटरल रिलेशन खराब थिया उनके कर पची जाए थे आई एम एफ से भी फर्क पो उन असन इमदाद मामलों से भी फर्क पो अच्छा उन मामले में असि सपोर्ट मिली ही बेन मुल्क जैसे इलेक्शन में जैसे मुख्तलिफ कमेटी होंगे उन्हें में असा फर्क पो तो ये सब शर्क पवन असमेज खराब जो पो वो आस्ते आस्ते रिपेयर डिप्लोमेसी में गलती जी उन डैमेज मिनटन में कलाक में अची वो डीह में उनके ठीक करने लाए काफी उन्होंने अर्सो लगी एफर्ट लगी पी आने गवर्नमेंट की एफर्ट में अगे गवर्नमेंट इंदी केयर टेकर है बाद उनके भी इन एफर्ट के इन असर के जाहिर करो पवे सफीर के जो ट्रस्ट वधाइण पव दुनिया की नजर में जी सर उन कम करो पव काफी सारो अच्छा डॉक्टर साहब अं पे ऐसो तो ये जो एडो हसास मामलो है अवा गाल बुधायो पिया या असा जे बिया आलमी मामलों ते नजर रखंदड़ एम्बेसडर्स आहिन या तर्जे निगार या कॉलमिस्ट उ इन मामलों का या कानूनदान उ भी बखूबी आगान तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के या उन वक्त के वजीर आजम के इन गाल जो अंदाजो न हो तो वह छा पा कर मुल्क से कड़ा असर थन्दा सफारती महाज से कड़ा असर थन्दा उन्होंने इनकी परवाह को कई छो जो इन मूँ जो असड़े मुल्क में जड़े वाल पावर में हों ये मूँ तो ये ब्लाइंड पवे अंधा पवे तो शायद उनके अगते वही पुछण वो न हों तो उनके इन गाल जान हो अगते वही केस रजिस्टर की सके इनजा कॉन्सिक्वेंसिस शायद वो अड़े हिसाब से न करे शायद को बो को रस्तो अख्तियार करे समझा तो पो तो एक गलती उन वक्त जी उन वक्त उनकी इंटेंसिटी जो एतो ख्याल न हो आजम खान भी सोचो हों तो शायद मैं यो खबाए वहाँ टारे वहाँ तो ये प्राइम मिनिस्टर क्यों पर ये नाजा सजो जो सिस्टम स्टेप बाय स्टेप समझाएं उनके हर को मू जै जै के हथा ये निको कागज मैं बुधा तो सफीर का अलावा जी मेल सफीर लिखो यो सफीर के ऑर्डर ये हथ से लिख कंप्यूटर से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी टाइप कह तो उनके साइफर रूम असो आई मशीन आ जैमे वेझी उनके कोडिंग कदा तो कोडिंग कर साइफर जो मू जी हर महीने सिक्योरिटी क्लियरेंस सफीर के सिर्फ इजाजत कमरे में वे उनमें स्ट्रॉन्ग रूम जो लोहे जो ठल हों अड़े हिसाब से कमरो ठल हों मशीन वह पी होंगी उनमें फकत सफीर वही सके बो को वही सके उनको कस्टोडियन ऑफिसर भी होंगे पर उनको बो रोल आ पर ये एतो हसास मामलो हलन उतने भी इन ख्याल रखो पवन जिथे वरी यो रिसीव लहन जिथे जै मशीन में उतने भी इन अकाउंटिंग है तो किए कागज पना कि अकाउंट कबा उन नंबरिंग किए थी उन टॉप सीक्रेट या सीक्रेट कि लिखो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में कड़े हिसाब से मोकलबो उनकी फोटो स्टेट करने की इजाजत ना है कें भी सीक्रेट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट की उनकी हर पन्ने हर पेज की काउंटिंग सर्टिफिकेट दिनो वो उनके एहसास यानी ख्याल न हो तो शायद एतो सीरियस छो पाकिस्तान में तो ये तो मू फबाए वेंदा मर्डर फबाए वेंदा खून फबाए वेंदा मू वे वा वा डोर फबाए वेंदा तो उन्होंने सोचे होंगे शायद ये भी फबाए वन पर वंस द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स द स्टेट कमिंग टू एक्शन वो तमाम होते अच्छा डॉक्टर साहब 30 सेकंड लाए अगर यो ख्याल कजे तो अगर जेकडे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉरेन ऑफिस में होजे हा ही मामलो साइफर वो मामलो ये थे हा तो करो हाँ अं पे उन वक्त अगर अवं फॉरेन ऑफिस में हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवं करो सर फौरी तौर से उनके लेटर लिखो प्राइम मिनिस्टर के फाइल वही मोटी ना आई स्पेशल सेक्रेट एक्ट के तहत या फाइल मोटी अच्छा छोजे इनकी असें
अकाउंटिंग कड़ी हूंदी आहे, हीउ हुनजो तरीक़ो आहे। हीअ फाइल जे तव्हां खां गुम थी वई आहे त ॿुधायो, असां जीअं हुनजी इन्वेस्टिगेट कयूं। हीउ त हिकिड़ो बेसिक प्रिंसिपल हो, ऐं पोइ जीअं उनजी ख़बर न पवे आहे त प्राइम मिनिस्टर खे लिखे आहे त असां वटि इन ते लाज़िम आहे ऑफिशियल सीक्रेट जे तहत हिनजी इन्वेस्टिगेट कयूं, ऐं हुनजी इन्वेस्टिगेशन थी वई आहे त ॻाल्हि पधरी थी अचे साम्हूं अचे वई आहे, ऐं पोइ जंहिं ते पोइ लाइबिलिटी थिए आहे हुनजे ख़िलाफ़ केस रजिस्टर थी वई आहे। प्राइम मिनिस्टर फर्ज़ कयो त हुनजे ख़िलाफ़ हुयो, कंहिं लिहाज़ सां पंहिंजो ज़ोर ॾियारे न बि करे आहे, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पीटीआई चेयरमैन लाइ रस्ता तंग पिया थियनि। अॼु आज़म खान जेको उगुणो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, उन 164 जो बयानु ॾींदे, मजिस्ट्रेट जे साम्हूं बयानु ॾींदे चयो आहे त साइफर वारो मामिलो ड्रामो हो ऐं पीटीआई चेयरमैन उनखे पंहिंजे ज़ाती मुफ़ादनि लाइ इस्तेमालु कयो, न रुगो एतिरो बल्कि उन क़ौमी सलामती इदारनि ऐं मुल्की जेके तालुकातनि उनखे पिणु दाव ते लॻायो आहे। हाणे त हिकु तरफ़ इहो साइफर वारो मामिलो आहे, ॿिए तरफ़ फॉरेन फंडिंग वारो मामिलो आहे, इलेक्शन कमीशन में उनजी पी टी आई चेयरमैन जी नाहेली जो केस हले थो पियो, ऐं टे तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त पी टी आई चेयरमैन जो हिकु टियों निकाह आहे उहो बि गैर शरई तौर ते के उनजो केस जेको आहे ॿुधणी जोॻो करार ॾिनो वियो आहे। त ईंदड़ ॾींहनि में पी टी आई चेयरमैन लाइ के रस्ता तंग पिया थियनि, उनजा उनजी सियासत ते ऐं उनजी पार्टी ते कहिड़ा असर थींदा, ॾिसूं था पिया त हिकु वॾी तादाद आहे जेका पी टी आई खे छॾे थी पई, अॻूणो दिफ़ा वारो वज़ीर छॾे चुको आहे, ॼण त पी टी आई 80% पी टी आई जा पार्लियामेंटेरियन जेके आहिनि उहे या त ख़ामोश आहिनि या पी टी आई खे छॾे चुका आहिनि। त इमरान खान पी टी आई चेयरमैन जो सियासी मुस्तक़बिल के असांजा जेके तज निगार आहिनि उहे कीअं पिया ॾिसनि, प्रोग्राम जे हिन सिबे असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुंहिंजो मुमताज़ तज निगार कॉलमिस्ट ऐं कानूनदान जनाब शुआब दोस्तो साहब। शुआब साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। शुआब साहब, सभ खां पहिरियां त साइफर वारो मामिलो अव्हां कीअं पिया ॾिसो, आज़म खान जा जेके इंकशाफ़ आहिनि या 164 जेको अॼु ॾिनो आहे उनजी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे? सर, मूं तव्हां इहो साफ़ जेको 164 जो स्टेटमेंट जेको रिपोर्ट थियो आहे मीडिया में, जी सर, उहो मूं पढ़ियो कोन्हे, पर जेको रिपोर्ट थियो आहे उनजे हवाले सां मां ॻाल्हाए सघां थो। जी सर, ॾिसो कानूनी तौर ते त अहिड़े क़िस्म जो स्टेटमेंट जेको बज़ाहिर त हे कस्टडी में ई हुयो, हालांकि ॿुधण में इहो आयो आहे त आज़म खान साहब जो पंहिंजो पंहिंजो बयानु इहो आहे त मां पंहिंजे कंहिं दोस्त वटि लिकियलु हुयुसि जी, पर इन खां पहिरियों एफ आई आर कटी वई हुई ऐं ग़ायब थी वियो, हुनजी पूरी फैमिली जेको आहे सो परेशान रही, महीनो पूरो हुनजी का ख़बरचार कोन हुई किथे आहे। जी सर, पोइ जॾहिं इन दौरान इहो जेको स्टेटमेंट रिकॉर्ड थियो आहे मजिस्ट्रेट जे साम्हूं, जी सर, मां सम्झा थो त हिन जी कानूनी हैसियत त ॾाढी कमज़ोर आहे। अच्छा, जी हा, हिकिड़ो त बज़ाहिर त अंडर कस्टडी इहो बयानु वरितो वियो आहे, ॿियो ऐं जेका बि पुलिस जे कस्टडी में जेको बि बयानु हूंदो आहे उहो एडमिसिबल एविडेंस जे तौर ते न मञियो वेंदो आहे, हालांकि हे 164 जी स्टेटमेंट आहे ऐं इहा बज़ाहिर त जेका रिकॉर्ड कई वई आहे मजिस्ट्रेट जे साम्हूं कई वई आहे, हिनजी हूअ जेको वज़न आहे उहो वधीक आहे, पर उनखे बि कोरोबरेट यानी इनखे वरी वधीक इनजी तस्दीक करण लाइ इहो जेको बयानु आहे प्रोसिक्यूशन खे वरी इनजी तस्दीक लाइ कोरोबोरेशन लाइ वरी जेको आहे सो साबित करणो पवंदो त जेको हिन बयानु ॾिनो आहे इहो जेको बाक़ी ॿिया जेके जेके सबूत आहिनि या एविडेंसिस आहिनि उन्हनि सां हे कोरोबरेट थो करे यानी उन्हनि जे मुताबिक़त सां थो रहे इहो बयानु नज़र अचे। त उहो हिकिड़ो त इहो मसइलो आहे, ॿियो मसइलो इहो आहे त जेका जॾहिं इहो बयानु जॾहिं इहो प्रोसिक्यूशन शुरू थींदी त उन में तमामु घणा सवाल ॿिया बि पैदा थींदा त हे किथे हुयो ऐं उन दौरान जेके हिन स्टेटमेंट ॾिनियूं हुयूं उनजो जेको कॉन्टेक्स्ट हुयो जॾहिं हे पाण प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुयो, ऑडियो लीक बि जेको आहे तव्हांजे साम्हूं आई, जी सर, जी, त उन में बि हिन हिकिड़ो यानी हिकिड़ो जीअं जेको शामिल हूंदो आहे कंहिं क्राइम में मुलविस हुजणो उनमें ज़ाहिर थो थिए हिन जो, मां सम्झा थो त इहा जेका कॉन्ट्रडिक्शन आहे ऐं अॻिते हली इहो मामिलो हिन बयान ते 164 ते त इमरान खान खे सज़ा कोन ईंदी। शुआब साहब, हाणे असांखे ॿ ॻाल्हियूं अवां खां सम्झणियूं आहिनि सर, मां बि सम्झण थो चाहियां या असांजा यकीन नाज़रीन बि सम्झणु चाहींदा।
अगुणो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए आज़म खान वो अगर सुल्तानी गवाह तो थी वे तो कानून में गुंजाइश मौजूद है जैसे को मू सुल्तानी गवाह तौर सामू तो अचे तो सर पैर तो यो समझा जो सर में सिर्फ हे को चोरी या धाड़े या के कत्ल जो केस कोने जी सर बेसिकली जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उनके हवाले से इनते इल्जाम लगो है उनमें घड़ी गाल बाद में जेके डॉक्यूमेंट्री जेके इनमें सबूत हुंदा ब्या जेके इनमें किरदार हैं उन वक्त जो जो को सेक्रेटरी आहे फॉरेन सेक्रेटरी उन जो एम्बेसडर जो को अमेरिका में हुयो जी सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन सा गडो गड मिनिस्टर जो को फॉरेन मिनिस्टर जो को हुयो इन सबनी जा जेके हैं ये सभी मामला को कोर्ट में इंदा ए पोयो करो मजमूई किस्म की जो शिकल पैदा थी उनते वही मामलो बीह सिर्फ इन बयान से न बीह वो ऐसो पव तो वाकई यो डॉक्यूमेंट जो सो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो तो भला बेन ऑफिस के छो दिनो वो जैमें उन्होंने पा मनो आो मुख्तलिफ इदार भी डॉक्यूमेंट वो हो यो डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी वट हो या यो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर वट हो सो योड़ो पहली गाल ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत तमाम घट केस घट मूँ तो कें न पढ़ो आ न बुधो आ कें कड़े किस्म जो पाकिस्तान में जैसे सुप्रीम कोर्ट की का जजमेंट आई हो हतमी तौर से उनको फैसलो पो हो आम तौर से अड़े किस्म जे केस हूँ ये सियासी केस हूँ जी सर हाँ उनके इमरान खान के मथा अगमें ही तकरीबन 170-180 केस जे सो दाखिल कर छाया एकड़ो केस यो भी आहे उनसा गडो गड सो मान तो समझा तो को इन हिकड़े स्टेटमेंट का इमरान खान जो को सियासी मुस्तकबिल खतरे में पेजी वो ऑलरेडी उनको सियासी मुस्तकबिल खतरे में आहे 180 केस उनके खिलाफ दाखिल किया काफी तक कूड़ा सच्चा केस हैं पर जेके बटे केस हैं उनमें जो लगे तो बिल्कुल इनके डिस्क्वालीफाई कर सकन था सजा अची सके थी जी पर उनको दारोमदार जो अदालत के फैसलन पे है उनखा वधीक मां समझा तो इमरान खान के सियासत जो या इमरान खान के मुस्तकबिल जो दारोमदार है इमरान खान के पांचे सियासी हिकमत अमली से बहादुरी से साबित कदमी से वही ऑर्गनाइजेशन के जो सो बेहर मुनजिम करण में डिपेंड तो करे उनको इनसार है ठीक है अगर इनके गिरफ्तार था कर छन गिरफ्तार करे पो इनके पुठियान जी जेका बचल खुचल पार्टी है वह भी खत्म था कर छन करे सकन था जी पर पो उनसा जो तासुर पैदा थींदो जो आवाम में एकड़ो जो मैसेज वेंदो वो यकीनन अड़ो हुंदो जमें इदारन के खिलाफ एकड़ो यकीनन परसेप्शन पैदा थींदो खुद पीडीएम जी जेका पांजी जेका सियासी जेको उन्हनि जो इखलाकी जेको जवाज आहे उन्हनि जी सियासी इखलाकी बेहक जेका आहे लेजिटिमेसी जेका आहे उहा तमामु खणी लताड़बी त तव्हां एस्टेब्लिशमेंट जे ज़रिए पीटीआई खे ख़तमु करे ऐं इलेक्शन खटी आहे माना आपोज़िशन खे ख़तमु करे तव्हां जेको आहे सो ॿीहर मोटी आया आहियो वो ये को सिलेक्टर जारो ये को मामलो वो वरी एक दफो बीयर असा के हाना पीटीएम पीडीएम लाग बदर बदर अरे शॉप साहब सर कते कला में आप शॉप साहब एक दफो बीयर असा चो पे आज वाले साइफर वाले मामले दे अवा शुरू में चयो तो ही मामलो जो को 164 भी अवा के कमजोर नजर पे अचे तो पो छा आजम खान के बीयर अदालत में पेश करने की जरूरत पौंदी या ही मामलो हान कड़े तरफ कबो जो इन बयान जो आए वो मजबूत थे इमरान खान के खिलाफ अगर हुकूमत करना चाहे तो करण घुर्जे ॾिसो इन में बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं 164 जो बयान थींदो आहे त जेका ॿी धुर आहे साम्हूं वारी धुर जेका आहे उनखे बि नोटिस थींदो आहे अच्छा ऐं जॾहिं उहो उनखे पोइ हक़ हूंदो आहे त उहो या त उन वक़्तु या बाद में उनखां क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करे उनखे आॾी पुछा कर ऐं उहा पोइ आॾी पुछा आज़म खान खां थींदी जी सर जेसि ताईं उहा आॾी पुछा नथी थिए जेसि ताईं इमरान खान जो वकील या इमरान खान पाण उनखां क्रॉस एग्जामिनेशन नथो करे तेसि ताईं इहो बयान एडमिसेबल ई कोन्हे इन बयान जी हैसियत कुझु बि कोन्हे इहो त तव्हां मुंहिंजे पर पुट के मुंहिंजे के सियासी जेको हरीफ़ जे
जरिए तां को वनी मजिस्ट्रेट वट वनी मुझे खिलाफ बयान जराय छड़ियो उनते मुखे सजा थोड़ी मिलंदी सही मजिस्ट्रेट के मुखे नोटिस करनो आ मुखे मौको जणो आ त मा उनखा वरी वो जो को मुझे खिलाफ बयान आयो आ उनते मा उनखा क्रॉस एग्जामिनेशन किया सही त ये सब कानूनी मामला जे के ने प्रोसीजरल मामला सब ही को पीटीआई चेयरमैन चयो तो पियो ता उन वक्त ताई कें भी बयान या कें भी गाल के मन ला तसलीफ नथो क्या जेस ताई आजम खान मुझे सामू नथो चवे त इन पॉइंट के मद्देनजर रखंदे उए गाल करे तो बिल्कुल सही गाल आ तकर त कानूनी तौर ते इए ही आए त मा जगे तवा दे खिलाफ बयान थो जा त तवा या त पाण होजो या ता जो वकील होजे जी जो को मुखे मुझे कूड़ सच के जाहिर करे जी ये थोड़ी आ ता मुझे खिलाफ मा ता के खिलाफ बयान नहीं छड़ा जे को वणे चवा है वो कोर्ट उन के एक्सेप्ट करे हिस्सो बनाए छड़े एविडेंस जो ये थोड़ी सिंदो आ शाह साहब ये के कड़ियों मिलन थी पी फॉरेन फंडिंग जो केस है इलेक्शन कमीशन में बया भी केस हलन था पा निकाह वो जो मामलो है वो भी हाँ केस बुधनी जोगो थी वो है अज कोई साइफर वो मामलो है तो अवं के ही मामलो काडे थे नजर अचे पो अ लगे तो पे तो पीटीआई चेयरमैन 2023 में जो इलेक्शन थियणी है उनमें हू अवं के इलेक्शन जो हिस्सो थे नजर अचे तो पो या समझो था पा तो ना हाँ माइनस पीटीआई चेयरमैन फार्मूलो जो वो मुतरक नजर अचे तो जी उनके बिल्कुल ब्लैकआउट कर टीवी अचान तो परे की गाल नालो भी सो बैन थी वो जी सर तो हो कड़ी कंपेन हल वो कड़े तरीके से इलेक्शन कैंपेन हल मुख्य यकीन आ इलेक्शन का पैरों ही वो गिरफ्तार थी अच्छा गिरफ्तार थी उनके वो जेल में वही छदा थी सके तो इलेक्शन का पैरों के एक बिन केसिस में कन्विक्ट थी वे कन्विक्शन वो भी इल्जाम लगी वो इन वक्त रियासत सियासत बई जो सो इमरान खान के खिलाफ जेस तीन अदालत जो तालुक है अदालत में हाँ घट में घट मां जो ऐसा तो अफसोस से चवण तो पवे तो वो जो आईनी जेका ढाल वारो किरदार है बको लवा जे तो सर अदालतूं हाँ पंहिंजे खुद जी बका विड़न पयूं ऐं उन जो जेको खुद जो जेको बिल्कुल सही बचो बिल्कुल सही बचो वड़ी मेहरबानी शुआब होस्त साहब अवां जी अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते पीटीआई चेयरमैन जी पॉलिटिक्स ऐं ही साइफर वारे मामले ते अॼु जेको 164 थियो आहे उन ते अवां कानूनी नुक़्ते नज़र पेश कयो ऐं अवां चवणा आहे त इहो को 164 वारो मामिलो उहो अञा ताईं अवांखे कमज़ोरु नज़र पियो अचे छाकाणि त जेसि ताईं अॻीं धुर उन में साम्हूं इहो 164 नथो थिए त उन ते जेका जरह आहे उहा नथी थिए ऐं उन ते क्रॉस क्वेश्चनिंग नथी थिए त 164 वारो मामिलो अव्हांखे कमज़ोरु नज़र पियो अचे हाणे ॾिसणो इहो आहे त हीउ मामिलो काॾे पियो वञे पीटीआई चेयरमैन जे ख़िलाफ़ ई चार्जशीट ठहे थी पई या हीउ मामिलो अञा कंहिं ॿिए तरफ़ वञे थो पियो वक़्तु ई ॿुधाईंदो त प्रोग्राम जे वक़्त में ई पुॼाणी थी थो पए असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु